जो लोग अपने घर के अंदर अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़े बूढ़ों की नसीहत नहीं सुनते हैं, उन्हें भविष्य में दूसरों से, परायों से लानत, मलानत और फटकार का सामना करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का न्याय है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूँ अंशुमान आनंद। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता उमा भारती बेहद नाराज़ हैं और उनका नाराज़ होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उमा जी एक साध्वी हैं। उन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी की सेवा की थी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता हासिल करती है। उमा भारती का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार तो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हिंदुत्व के मुद्दे की अनदेखी कर रही है। उमा भारती ने एक ओपन लेटर लिखा है, एक खुली चिट्ठी लिखी है। ये पत्र बेहद लंबा है, जिसमें उमा भारती ने अपनी प्रस्तावित यात्रा और कार्यक्रम के बारे में बताया है। मैं आपको उमा भारती के इस ज्वलनशील पत्र के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाता हूँ जो शिवराज सिंह चौहान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उमा भारती ने अपने पत्र के दूसरे बिंदु में लिखा है, इस साल में शिवराज जी ने एक आदर्श शराब नीति लाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। इन 3 वर्षों के शिवराज सिंह के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी कार्यों की भी शुरुआत हुई। अब इन पंक्तियों में उमा भारती मध्य प्रदेश में शराब की बढ़ती दुकानों को लेकर व्यंग कर रही हैं। वो पहले भी MP में शराब की बढ़ती दुकानों को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोल चुकी हैं। अब सुनिए उमा भारती का दूसरा व्यंग बाण, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी होने में देरी होने पर दागा है। अपने पत्र के तीसरे पॉइंट में उमा भारती कहती हैं, हमारी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है, जिसके आधार पर हमारी पार्टी जनादेश मांगेगी। यानी उमा भारती का कहना है कि जो घोषणा पत्र सबसे पहले जारी होना चाहिए था वो अब तक जारी नहीं हो पाया है, तो भाजपा के उम्मीदवार किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। उमा भारती ये बात लॉजिकल है, और वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र पहले जारी करना चाहिए, फिर दूसरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उमा भारती अपने पत्र के चौथे बिंदु में तो सिलसिलेवार तरीके से आरोपों की झड़ी लगा देती हैं, और उनके आरोप कोई गलत भी नहीं है। आप खुद सुनिए उमा भारती के इन आरोपों को। उमा भारती कहती हैं, केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 से शिलान्यास के लिए तैयार है, गौ संवर्धन गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक पहुँचे नहीं हैं। पंच ज अभियान संपूर्णता से नहीं हुआ है, टुकड़ों में हुआ है। धार भोरशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होने के बावजूद भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी। रायसेन के सोमेश्वर एवं विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट अब तक नहीं खुल सके, जबकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। तो ये थे उमा भारती के आरोप, जो कि केन बेतवा नदी जोड़ो योजना का शिलान्यास न होने की वजह से दुखी हैं, क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। वो मध्य प्रदेश में गौ माता के संवर्धन और संरक्षण कार्य न होने से भी संतुष्ट हैं। उमा भारती का सबसे बड़ा आरोप पंच ज योजना से जुड़ा हुआ है, जो कि जनता, जानवर, जल, जंगल, जमीन से संबंधित है। उमा का आरोप है कि अभियान संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात पंच ज अभियान को बीच में ही छोड़ दिया गया। उमा भारती की आखिरी पीड़ा हिंदू हितों से जुड़ी हुई है, जिसमें वो भोरशाला की माँ सरस्वती, रायसेन के सोमेश्वर महादेव और विदिशा के विजया देवी मंदिर का जिक्र करती हैं, जिनका संरक्षण नहीं हो पाया है। उमा भारती के अनुसार इन हिंदू तीर्थ स्थलों के पुनरुत्थान के लिए उन्हें किसी बड़े केंद्रीय नेता का आश्वासन भी मिला था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में चुनावी गहमागहमी जोरों पर है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से जनादेश का सामना करने जा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ताल ठोक रहे हैं, लेकिन शिवराज को ज़्यादा खतरा पार्टी के अंदर से है। उमा भारती केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुकी हैं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन साल 2004 में कर्नाटक के हुबली तक तिरंगा यात्रा निकालकर अदालत की अवमानना करने की वजह से उमा भारती को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ गया था। राम मंदिर आंदोलन में भी उमा भारती बेहद सक्रिय रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट रैंकिंग मंत्री रह चुकी हैं। वो बेहद अनुभवी राजनेता हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान से उमा भारती की खुन्नस हमेशा से रही है, क्योंकि उमा भारती ने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जो मुद्दे उठाए हैं उनमें दम है, और पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनके समर्थन से ही हासिल करती है। ऐसे में अगर हिंदू हितों की अनदेखी हुई तो भाजपा को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने तो धारा 370 हटाकर राम मंदिर का निर्माण करवाकर अपने हिंदुत्वादी एजेंडे पर मजबूती से कायम हुई है। शिवराज सिंह चौहान को भी प्रधानमंत्री मोदी के पदचिन्हों में चलना होगा, यही देश की सनातनी जनता की मांग है, जिसे उमा भारती ने अपना स्वर दिया है। उम्मीद है इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी।
जय हिंद, जय भारत।